Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. A very good morning. Subah bakhair. Umeed karti hoon ki aap sab log theek thaak honge, khair khairiyat se honge. Aur Allah Taala dua gu hoon ki Allah Taala aap sabko apne hifz-o-aman mein rakhe, khair khairiyat se rakhe. Aaj ki jo video hai, basically ye aaj ki video ek dedicated video hai. Aaj ki video main dedicate karti hoon Nosh Kitchen routine ko. Unka channel hai. उन्हें मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ 1K सब्सक्राइबर्स पर और सिल्वर बटन के लिए. आई डोंट हैव वर्ड्स, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं उनकी तारीफ कर सकूँ. शी इज़ माई इंस्पायरेशन. मैंने उनसे मोटिवेट होके, उनकी वीडियोस से इंस्पायर होके अपना चैनल स्टार्ट किया है. मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि बच्चों के साथ अकेले रहते हुए वो किस तरह से दो चैनल्स रन कर रही हैं, Nosh Vlogs and Nosh Kitchen Routine. I can understand for being a mother कितना tough होता है हर चीज़ को जो है timely manage करना, और फिर उनके पास कोई support भी नहीं है. Like वहाँ पर अकेले ही रहती हैं. पाकिस्तान में तो ये होता है कि आपके घर में जो family members साथ रहते हैं, joint family system अगर आपका हो तो जो है आपके लिए easy हो जाता है अपने family members के साथ, कि वो आपके बच्चों को देख लेते हैं और सपोर्ट हो जाती है मिल के. क्योंकि इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकती हूँ. मेरे चार बच्चे हैं और नो डाउट कि मेरे पास सपोर्ट है. मेरी फैमिली में, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हूँ, मेरे पास सपोर्ट है. लेकिन उसके बावजूद जो है बच्चों के साथ मैनेज करना सब कुछ काफ़ी टफ हो जाता है. और नौश की जो वीडियोज़ हैं वो फेक वीडियोज़ नहीं होती हैं. लाइक वो फुल ऑफ मोटिवेशन होती हैं, इंस्पायरिंग होती हैं. उनमें इतना ज़्यादा एंथुजियाज़म होता है कि आप उन्हें देखे बगैर रह नहीं सकते. और नो डाउट कि आप उसकी वीडियोस देख के इंजॉय करते हो. हैट्स ऑफ टू हर. मैं सल्यूट करती हूँ उसे, बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में उस बंदी से बहुत कुछ सीखा है. शी इज नो डाउट She is a superwoman. Once again, congratulations. और आज की जो वीडियो है वो fully dedicated है Nosh Kitchen Routine को. मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला उसे, उसके हस्बैंड को, उसके बच्चों को, तिहामी और मिशारी को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, खैर खैरियत से रखे, उन्हें हर परेशानी से, हर मुसीबत से दूर रखे. जिस तरह नौश ने इतने ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस फेस किए, और उसके बाद जो है उसने यूट्यूब चैनल बनाया, उसने जो है केक्स का भी बिजनेस किया, बेकिंग का भी, हैट्स ऑफ टू हर. क्योंकि आजकल का जो दौर है उसमें इस तरह की सपोर्टिंग वाइफ मिलना, सपोर्टिंग सिस्टर मिलना, सपोर्टिंग मदर मिलना इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल. उसने जिस तरह से अपने हस्बैंड को सपोर्ट किया है, अपनी फैमिली को साथ लेके चली है, फाइनेंशियल क्राइसिस में भी उसने जो है हिम्मत नहीं हारी, और वो डेडिकेट होके काम करती रही है मुसलसल. और उसने अपने आप को प्रूव किया है दैट शी इज़ समथिंग, नो डाउट. मेरी तो दुआ है अल्लाह ताला के उसे अल्लाह ताला इतनी कामयाबी दे, इतनी कामयाबी दे कि वो नीचे देखना भी चाहे ना, तो उसे नीचे देखने के लिए कोई, पीछे देखना भी चाहे तो उसे कोई परेशानी, कोई गम नज़र ना आए. अल्लाह ताला उसे हर परेशानी से दूर रखे. मैं और भी यूट्यूबर्स की वीडियोस देखती हूँ, लेकिन जो है नौश की वीडियोस का मुझे इंतज़ार होता है. अब तो मैं खुद वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन जब मैं खुद वीडियोस नहीं थी बनाती, मैं पूरा इंतज़ार करती थी. और जब भी मुझे टाइम मिलता था अपनी डेली रूटीन में से, मैं यूट्यूब को चेक करती थी कि नौश का व्लॉग आ गया, नौश की वीडियो आ गई है. और मैं उसे पहले वैसे देखती थी, फिर उसे डाउनलोड करके दोबारा देखती थी. मुझे बहुत, मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ उसकी वीडियोस को, क्योंकि उनमें कुछ फेक नहीं है. और मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन लोगों ने अभी तक उनका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनके दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, नौश व्लॉग्स को भी और नौश किचन रूटीन को भी.
दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ उसके चैनल को शेयर करें, लाइक करें उनकी वीडियोस को, उनकी वीडियोस पे कमेंट करें, और हाँ उन्हें अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट भी कीजिएगा उनके सिल्वर प्ले बटन के लिए। पहले उन्हें नॉश ब्लॉग के लिए सिल्वर प्ले बटन मिला था और अब उन्हें नॉश किचन रूटीन के लिए सिल्वर बटन मिल रहा है। और मैं दुआ करती हूँ कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसा टाइम भी जल्दी आए कि उसे जो है यूट्यूब का गोल्डन बटन भी मिले। मैं दुआ कहूँ आपके लिए नौश के, अल्लाह ताला आपको जो है इतनी तरक्की दे कि आप जो है उस चीज़ को खुशी के साथ, सेहत के साथ और जॉय के साथ जो है ना आप उसे इंजॉय कर सकें। अल्लाह ताला आपके लिए ज़मीन को जो है ना फूलों का बिस्तर बना दे और आपको कहीं भी कांटे ना मिले। मैं दुआ कहूँ आपके लिए। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑलवेज एंड मे यू स्टे हैप्पी विद योर फैमिली। और तिहामी और मिशारी के लिए खाला का बहुत सारा प्यार। अल्लाह ताला उन दोनों को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे और उन दोनों को आपके लिए बायस रहमत बनाए, आपका फ़ख्र बनाए उन दोनों को। जिस तरह आप उनके लिए फ़ख्र हैं उस तरह आप उन्हें आपके लिए फ़ख्र बनाए। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, मतलब आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं नूडल्स ऑमलेट, और ये आज की जो रेसिपी है इसे भी मैं डेडिकेट करती हूँ नौश को, क्योंकि ये मेरी अपनी क्रिएशन है और इट्स वन ऑफ माय फेवरेट ऑमलेट, नूडल्स ऑमलेट। क्योंकि ये मैं आई वाज इन ग्रेड 8, 7 और 8 ये तब मैंने क्रिएट की थी, क्योंकि अंडे और नूडल्स दोनों मेरे फेवरेट हैं और चीज़, ये तीनों चीज़ें मेरी फेवरेट हैं। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अंडे भी और नूडल्स भी और चीज़ भी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा कम्बिनेशन बनाया जाए जिससे जो है ये रेसिपी हमारी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए। फिर मैंने इसे क्रिएट किया था। अब मैं आपको बताती हूँ इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए हमें जो चीज़, चलते हैं वीडियो की तरफ। इसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो हैं अंडे, मैंने 3 अंडे लिए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 पैकेट कनोर नूडल्स का हमने इस तरह से बॉईल कर लिया, इसे फुल बॉईल नहीं करना, ज़रा सी इसमें कसर है। मिक्स हर्ब्स, हॉट सॉस, पिज्ज़ा सॉस, आप पिज्ज़ा सॉस के जगह बारबेक्यू सॉस डाल सकते हैं, चिली सॉस डाल सकते हैं, चिली गार्लिक डाल सकते हैं, मैं चिली गार्लिक भी डालूंगी, प्लेन टमाटो केचप भी डाल सकते हैं। ब्लैक ऑलिव्स, मैं ब्लैक ऑलिव्स यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो ग्रीन भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ओमिट भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। चिली गार्लिक, ब्लू बैंड, आप फ्रेश बटर भी यूज़ कर सकते हैं, और ये जो कनोर नूडल्स के पैकेट में से मसाला निकलता है हम इसे भी वेस्ट नहीं करेंगे, हम इसे भी यूज़ करेंगे। उसके बाद हमें चाहिए सॉल्ट एंड पेपर। वेजिटेबल्स में मैंने लिया है शिमला मिर्च, कैप्सिकम, सॉरी शिमला मिर्च ली है, कैप्सिकम, बंद गोभी ली है, हरी प्याज ली है, सादी प्याज ली है, वाइट अनियन जो हमारा होता है, और उसके बाद मैंने लिया बॉयल्ड एंड श्रेडेड चिकन। आप इसमें फ्रेश टमाटोज भी डीसीड करके यानी उसके बीज निकाल के उसे क्यूब्स में काट के डाल सकते हैं, हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप मशरूम्स ऐड करना चाहें आप वो भी ऐड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। मुझे जो जो चीज़ें ऑमलेट में इसमें पसंद है इस कम्बिनेशन के साथ, आप इसमें सॉसेजेस ऐड कर सकते हैं, पेपरोनी स्लाइसेस को थिनली स्लाइस करके वो डाल सकते हैं, या फिर आपके पास वो जो हो स्मोक्ड मीट हो आप उसे स्लाइस करके डाल सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चीज़। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अंडों को फेंट लेंगे, उसमें मिक्स्ड हर्ब्स, हॉट सॉस, मैं भूल गई आपको बताना हमें इसके लिए मस्टर्ड पेस्ट भी चाहिए, मस्टर्ड पेस्ट, हॉट सॉस, पिज्ज़ा सॉस, चिली गार्लिक केचप, मिक्स्ड हर्ब्स, सॉल्ट एंड पेपर, वो जो हमारा कनोर का साशे है वो, और ब्लू बैंड, इन चीज़ों को हम टर्न बाय टर्न इसमें मिक्स कर लेंगे। ये देखें अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे हॉट सॉस, ये डाल दी है मैंने मिक्स्ड हर्ब्स, पहले डाली मैंने हॉट सॉस, ये अब हम इसमें डाल रहे हैं हमारा जो कनोर का साशे पैक था। उसके बाद हम डालेंगे सॉल्ट, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं,
और ब्लैक पेपर। पिज्जा सॉस, इसमें कोई ऐसा वो चीज़ें नहीं हैं जिसे आपको एग्जैक्टली मैयर करके डालना पड़े, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे चिली गार्लिक, और ये देखें इस तरह 1 टीस्पून ऑफ ब्लू बैंड। आप फ्रेश होममेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। अब हम इन्हें इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसमें अपनी सारी वेजिटेबल्स और जो है हमारे ऑलिव्स वो डाल देंगे। नूडल्स और चीज़ भी हम नहीं डालेंगे। ये देखें ये सारी चीज़ें हमने इसमें डाल के इसे अब हम इस तरह स्लाइटली मिक्स कर लेंगे। जिस तरह नौश की रेसिपीज इजी क्विक होती हैं, इसी तरह मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको इजी और क्विक रेसिपीज बता सकूँ, बजट फ्रेंडली भी हूँ और इजी और क्विक भी हूँ। इसीलिए मैं आपको किसी भी चीज़ के लिए रेस्ट्रिक्ट नहीं करती हूँ कि आप ये डालें या ये डालें। टोटली आपकी चॉइस के अकॉर्डिंगली है कि आप जो चीज़ ऐड करना चाहें आप वो चीज़ ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे ऑयल डाल के पैन में उसमें डालेंगे। ये देखें मैंने यहाँ पे लिया है ऑमलेट पैन, उसमें मैंने ऑयल डाल लिया है। हम ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे, और उसके बाद हम अपने ऑमलेट का जो मिक्सर है उसमें से हाफ मिक्सचर हम इसकी बेस में इस तरह से फैला देंगे। मुझे थोड़ा लग रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा और मिक्सचर इसकी बेस में इस तरह से डाल के अब हम पैन को इस तरह से बंद कर देंगे। मेरे पास ये ऑमलेट पैन है, अगर आपके पास ऑमलेट पैन ना हो तो आप इसे सेम मेथड से नॉनस्टिक फ्राइंग पैन में या किसी रेगुलर फ्राइंग पैन में भी बना सकते हैं। ये देखें जब ये इस तरह से हमारा अंडा नीचे की सरफेस की तरफ से पकने लगे, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें सबसे पहले अपनी श्रेडेड चीज़ आप चीज़ की क्वांटिटी कम या ज़्यादा अपने पसंद और अपनी मर्जी के फ्लेवर के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। श्रेडेड चीज़ डाल देंगे, उसके बाद उसके ऊपर ये जो हमने नूडल्स रखी थी वो इस तरह से हम फैला देंगे सारे, और अब हम ऊपर से अपना ये बाकी का जो हमारा मिक्सचर है ऑमलेट का ये इस तरह से हम ऊपर से इसमें स्प्रेड कर देंगे, और कवर करके इसे हम दूसरी साइड से भी पका लेंगे। ये देखें ये मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए अपने ऑमलेट को इस तरह से सेंटर में से ओपन कर लिया। आप इसे इस तरह टर्न करके भी फोल्ड कर सर्व कर सकते हैं, और इस तरह भी। मैं अब आपको इसका दिखाती हूँ, ये बिल्कुल पिज्ज़ा की तरह होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा। ये देखें इस तरह से आप इसका स्लाइस कट कर लें, और देखिएगा ये बिल्कुल पिज्ज़ा की तरह होगा सॉफ्ट। ये देखिएगा सर, जस्ट अ मिनट प्लीज। ये इस तरह इसे हम काट के ये है इसकी फाइनल लुक। ये इस तरह हम इसे सर्व कर देंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है, वीडियो को लाइक करना भी बनता है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और वंस अगेन कहूँगी कि नौश किचन रूटीन चैनल को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑलवेज। आप सब भी नौश किचन रूटीन का चैनल सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, और नौश किचन रूटीन को, तिहामी और मिशारी को। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।